हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। महासचिव शंभुराम जसवाल द्वारा बैठक के एजेंडा की जानकारी देते हुए संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम बैठक में अपने वरिष्ठ सदस्य मरचूराम शर्मा निवासी रमेड़ा, दिलेराम निवासी डुग्गी तथा देश की महान विभूतियों शीला दीक्षित व सुषमा स्वराज के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा व शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं बारे विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संघ के सदस्यता कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान खंड इकाइयों के प्रयत्नों को सराहना की गई तथा उनसे आग्रह किया गया कि जिन गांवों में सदस्य बनाए जाने का कार्य अभी बचा है, खंड पदाधिकारी वहां इस कार्य को पूरा करने का प्रयास जारी रखें। पेंशनर भवन के निर्माण कार्य बारे तकनीकी सलाहकारों से चर्चा की गई। भवन निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सालीग्राम ठाकुर ने निर्माण कार्य को चर्चा अनुसार जारी रखने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान जिला प्रधान द्वारा बताया गया कि जिला भर में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के कार्यक्रम में समूचे जिला के साथ साथ बिलासपुर जिला के कुछ क्षेत्रों में लगभग 675 वृद्ध पेंशनरों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसमें 200 के करीब रुग्णावस्था में बिस्तर पर या चलने फिरने में असमर्थ पेंशनरों व फैमिली पेंशनरों को इस सुविधा का भरपूर लाभ मिल पाया है। कुछ एक पेंशनर अभी शेष है जिन्हें भी शीघ्र ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा कुछ एक पेंशनरों की ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। बैठक में सलाहकार आरएल पटियाल, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा, उप प्रधान दीप चंद शर्मा, उत्तम चंद शर्मा, परशुराम ठाकुर, धर्मदास चौधरी, प्रेम कौशल, देशराज शर्मा, प्रेमचंद, जोगिंदर सिंह पुंडेर, हेमराज शर्मा, धर्म सिंह नुघाल, उत्तम चंद शर्मा, जैसी राम पुरी, रोशनलाल शर्मा, सुनील कुमार सहित अन्य पेंशनरों ने भाग लिया। बिलासपुर जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि जिले में नशा तस्करी को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके चलते स्पेशल टीम का गठन कर स्थानीय जनता व विभिन्न एनजीओ के माध्यम से तस्करों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है और आगे भी जिला पुलिस का नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान जारी रहेगा। फुल प्रूफ सुरक्षा के दावों के बावजूद हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। कांगड़ा जिले के परोर स्थित जिले के एकमात्र केंद्र में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बयानों के आधार पर 7 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। पता चला कि आरोपियों ने प्रति युवक से 1 लाख रुपए की डील की थी। ये कार्रवाई सीआईडी ने की है और पुलिस थाना भवारना में मामला दर्ज किया है। प्रदेश भर में पुलिस में कांस्टेबल के 1063 पदों के लिए 36,315 युवाओं ने परीक्षा दी। कांगड़ा जिले में पुलिस विभाग में 264 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा रविवार को परोर स्थित सत्संग भवन में बनाए गए केंद्र में हुई। परीक्षा हॉल में 6 युवक फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर दूसरे के पेपर देने पहुंचे थे। सीआईडी की धर्मशाला टीम ने आरोपितों को पकड़ा और इनके बयानों के आधार पर 7 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अनुराग निवासी कलानौर जिला रोहतक हरियाणा, मनदीप निवासी शांति नगर गली नंबर 3 जिला पुलिस थाना थानेसर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा, प्रशांत कुमार निवासी लाहड़पुर हाथरस उत्तर प्रदेश, कुलदीप निवासी गांव चौसाला तहसील कलामत जिला कैथल हरियाणा, नवीन कुमार निवासी लाहड़पुर हाथरस उत्तर प्रदेश, सुभाष कुमार निवासी बीटा मिल्क प्लांट जोगिंदर नगर जींद हरियाणा, रुस्तम अली निवासी गांव नगरोटू डाकघर दरकाती तहसील जवाली कांगड़ा, रघुवीर सिंह निवासी गांव नागला जांडू डाकघर व पुलिस थाना हाथरस जंक्शन जिला हाथ उत्तर प्रदेश, विक्रम निवासी दरकाती तहसील जवाली कांगड़ा के रूप में हुई। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। विक्रम से लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है।
12 बजे लिखित परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन सीआईडी को सूचना मिली थी कि परीक्षा में गड़बड़ी होने वाली है। डीएसपी सीआईडी वीर बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार व कांस्टेबल करण सिंह ने 11:45 पर अभ्यर्थियों की जांच शुरू कर दी। उस समय परीक्षार्थियों को चेस्ट नंबर के अनुसार बिठाया जा रहा था। एडमिट कार्ड स्कैनिंग के समय सीआईडी टीम ने पाया कि परीक्षार्थी बिनती कुमार की जगह प्रशांत कुमार बैठा था। पहला मामला सामने आने के बाद अन्य की जांच की तो पता चला कि अखिल काटल की जगह हरियाणा के अनुराग, मनीष चौधरी के स्थान पर कुरुक्षेत्र का मनदीप और कमल की जगह कुलदीप परीक्षा देने बैठा था। उत्तर प्रदेश का नवीन कुमार और जिंद का सुभाष भी दूसरे की जगह पेपर दे रहा था। प्रशांत केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाकर भीतर पहुंचा था। उत्तरी रेंज के डीआईजी संतोष पटियाल से जब मीडिया से पूछा कि पुलिस की असफलता है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस की असफलता नहीं कह सकते, पुलिस ने इनको समय से पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कहा कि इसको तो कामयाबी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस सेंटर में 11,558 परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा देनी थी, तो इतने परीक्षार्थियों में कुछ एक को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में कोई ऐसा कर सकता है तो किसी भी अन्य भर्ती में भी ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है और भविष्य में किसी भी विभाग की भर्ती के लिए बहुत बढ़िया है कि ये स्कैम सामने आ गया। संतोष पटियाल ने बताया कि इस स्कैम में अब तक 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें 10 लोग बाहरी राज्यों से हैं, 7 हरियाणा से, 2 यूपी से और 1 राजस्थान से है और 3 हिमाचली भी अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी जगह ये लोग लिखित परीक्षा देने आए थे, उनकी धरपकड़ के लिए रेड हो रही है और जल्दी ही वो लोग भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा स्थानीय मास्टरमाइंड को उन्होंने पहचान कर ली है, उसकी धरपकड़ जारी है। उन्होंने कहा कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है।